हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आज आपके लिए एक नया ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज पल्सर NS125 CBS वेरिएंट के बारे में, जो कोलंबिया के अंदर लॉन्च हो गई है और जल्दी ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसलिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले अगर बजाज पल्सर NS125 इंडिया में लॉन्च होती है तो कौन कौन से फीचर के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बजाज पल्सर 125 है वो इंडिया के अंदर बजाज पल्सर NS135 थी उसकी जगह पर रिप्लेस होने वाली है और इसके डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। ओनली जो इसका इंजन और कुछ ग्राफिक्स अपग्रेड्स किए गए हैं इस बाइक के अंदर। और बजाज पल्सर NS125 हमें 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी, जिसमें कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ हमें 2 इंजन मिल सकते हैं इंडिया के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस इंजन के मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ये हमें 125cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व के साथ जो बजाज की DTS-i टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ हमें ये इंजन मिलेगा। और इस इंजन के अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें 11.8 HP से लेकर 8500 का RPM मिलेगा और 10.8 NM के टॉर्क से लेकर 7000 RPM मिलेगा। और ये इंजन हमें 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। और इस बाइक के अगर मैं कॉकपिट के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसके अंदर हमें टैकोमीटर और एनालॉग मीटर हमें डिजिटल डिस्प्ले के साथ मिलता है। और इस बाइक के अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं। और अगर मैं रियर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें नाइट्रॉक्स रियर एब्जॉर्बर मिलता है। और इस बाइक के अगर मैं फ्रंट डिस्क के बारे में बात करूँ तो ये हमें 240mm और ये बाइक हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलती है, जो एज ए स्टैंडर्ड फीचर्स है। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये हमें 97,245 rupees में मिलती है, जो प्राइस मैंने कोलंबिया में जो अभी लॉन्च हुई है उस प्राइस के इंडियन करेंसी में कन्वर्सेशन पे जो प्राइस निकलता है वो मैंने आपको बताया है। बड़े प्राइस इतना नहीं हो सकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये 125cc सेगमेंट बाइक है और जो इंडिया में 125cc सेगमेंट के जो प्राइसेस है उसी के अंदर ये बाइक लॉन्च होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और भी अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाएँ ताकि हमारे चैनल की हर आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।